बैक टू मेक अप फनी मानी अब्दुल्ला और आज का टॉपिक है अधूरी ख्वाहिश और हमारे लाजमी मकसद। मतलब हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं छोटी बड़ी, हमें किसी वक्त पे कोई चीज़ चाहिए होती है यार कल ये हो जाए, आज ये हो जाना चाहिए शाम को। बहुत सारी दफ़ा आपने महसूस किया होगा कि सुबह से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि शाम को मुझे एक अच्छी खबर मिले और वो अच्छी खबर आपको नहीं मिली और आप सालों से इंतज़ार और आपके कुछ महीने के गोल्स होते हैं, उसके गोल्स होते हैं, कुछ हफ्ते के गोल्स होते हैं, कुछ सालों के गोल्स होते हैं, लेकिन उनमें इंसान थोड़ा पेशेंस कर लेता है क्योंकि उनमें वक्त ज़्यादा होता है कि हाँ यार अभी एक साल है देखते हैं क्या होता है, दो साल या दो महीने तो इसमें थोड़ा सा वक्त होता है। लेकिन जिन खबरों में वक्त नहीं होता, जो आपको एक घंटे बाद या दो घंटे बाद मिलनी होती हैं, रोज़ आप किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, किसी ना किसी चीज़ की हर कोई उम्मीद करता है सुबह उठ के आ रहा है ऐसा हो और वो नहीं होता तो मायूस ना हो। मायूसी इंसान की उम्मीद को तोड़ती है और उम्मीद के ऊपर दुनिया का। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है, ज़्यादा नहीं थोड़ा भी जज्बा, तो आपको ना उम्मीदी अच्छी मिल जाती, ना उम्मीदी आपके सूट नहीं हो, ना उम्मीदी का ही मुझे जो कुछ करना नहीं चाहते, जो उठना नहीं चाहते, या करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर उनसे कुछ होता नहीं, ना उम्मीदी उन लोगों के अच्छे होते। ये लोग हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता, अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेता, अगर ये हो जाता तो मैं ये कर लेता। लेकिन जो कोशिश करने वाले लोग हैं ना, हर वक्त वो उम्मीद रहे किसी ना किसी चीज़ के, कोई बात नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है अल्लाह ने मुझे इससे बेहतर देना या इससे बड़ी कोई चीज़ मेरा इंतज़ार कर रही हूँ। आपको कोई जॉब नहीं मिली, आपके पास कुछ आना था वो नहीं आया, आप कुछ खरीदना चाहते थे वो नहीं खरीद सके, कोई बात नहीं, सोचो हो सकता है वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं थी, हो सकता है वो वक्त सही ना हो उस चीज़ को हासिल करने की, हो सकता है उससे बहुत बड़ी चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है एक साल बाद, दो साल बाद, छः महीने बाद, लेकिन आप उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा गमज़दा हो गए हैं कि बाद में आपको एहसास होता है कि यार कोई बात अब मुझे चाहिए। तो ऐसा ना करें, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, खुदा से बिल्कुल बेजार हो जाते हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, वैसा तो होता नहीं है। तो बहुत कॉमन जुमला कि मैं जैसा सोचता हूँ मेरी लाइफ में बिल्कुल अपोजिट होता है, वो इसलिए होता है कि एक तो हम नाउम्मीद होते हैं, दूसरा कि हम उम्मीद तो कर रहे होते हैं, हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे थॉट प्रोसेस नेगेटिव चल रहे होते कि हाँ मुझे तो पता है ऐसा तो होगा नहीं, बस ऐसा हो जाए तो अच्छी बात। हमारे रोज़मर्रा के डायलॉग्स कि वैसे तो मेरी हर चीज़ पे लोगों की नज़र रहती है, लेकिन अगर यार ये काम हो गया तो मैं कुछ हो जाए, यार ये काम हो गया तो मेरी सब कुछ हो जाए, तो आपको 100% उम्मीद नहीं होती, और उम्मीद या तो 100 होती या 0, बीच का कोई चीज़ होता ही नहीं, या तो आपको कॉन्फिडेंट है या नहीं, या तो आप कोई चीज़ चाहते हो या नहीं चाहते। हमारा माइंड परसेंटेज में चीज़ होती, हमारा माइंड या तो 100 पे होता है या 0 पे होता है, हमारा माइंड 99.9% में भी काम नहीं है। अगर आप जी से कहें कि हमें स्क्रीन से मोहब्बत है, और कहने लगे कि यार 98% मोहब्बत है, कहेगा कि 98% का है। तो माइंड या तो 100 पे होता है या फिर 0 पे होता है, बीच की कोई स्केल उसके जहन में, इमोशंस की कोई स्केल नहीं है। आपकी स्किल की स्केल हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो या आप इतने अच्छे हो, या आपकी सक्सेस डिपेंड कर सकती है कि हाँ यार आप इतने अमीर हो या इतने गरीब हो, आपकी फिजिक मैटर कर सकती है कि आप तो इतनी अच्छी फिजिक है, आप अपने प्रॉपर वर्जन में इतना ज़्यादा करीब हो, आप और ज़्यादा मस्कुलर हो सकते हैं, लेकिन हमारे इमोशन जो होते उनकी कोई परसेंटेज नहीं, या तो वो 100 होता है या 0। जब तक वो 100 पे नहीं आएगा तब तक हम अनसेटिस्फाइड रहेंगे। जब तक हम कंप्लीट कॉन्फिडेंट नहीं रहते
जब तक हम 100% उम्मीद में नहीं रहे, जब तक हमें इस चीज़ का एतमाद नहीं हो जाता कि हमसे कोई चीज़ छीन के ले ही नहीं जा सकता अगर वो हमारे नसीब की है, तब तक हम उम्मीद में भी नहीं रह सकते और तब तक हम सब्र और तब तक हम जो हमारे साथ होता है उस पे सुकून में भी नहीं रह सकते। अगर जिन लोगों को ये पता चल जाता है कि यार मेरा नसीब कोई जिंदगी में लेके जा ही नहीं सकता, जो मेरे नसीब का है वो कोई लेके नहीं जा सकता और जो मेरे नसीब का नहीं है वो पूरी दुनिया में मिलके मुझे नहीं दे सकता, वो लोग ना खुश रहते हैं ना दुखी रहते हैं, वो लोग ज्यादातर सुकून में रहते हैं। कुछ हो गया तो बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हुआ कि अरे कमाल कमाल कमाल, और कुछ नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा अरे यार शिट ये चीज भी नहीं है। गम में हो जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन किसी चीज के पीक के बाद उसका डिक्लाइन जरूर आता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा खुश किसी चीज पे हो जाते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आप बहुत ज्यादा गम में भी चले जाओ, क्योंकि जो चीज आपके पास आ रही है वो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोशिश की वजह से आई है, पर वो आपका नसीब था, उसके लिए कोशिश आपने बजा ही की है, आपका उसमें रोल है, लेकिन वो चीज आपके पास आई क्यों हुआ, क्योंकि आपसे ज्यादा लोग, आपसे ज़हीन लोग, आपसे अच्छे लोग, आपसे अच्छे गुणलोभी लोग बहुत सारी जरूरी है और आपको अगर वो मिल गया तो इसमें आपकी कोई खास बात नहीं, मुझे अगर कुछ मिल गया तो इसमें मेरी कोई खास बात नहीं, मेरे से अच्छे लोग, मुझसे अच्छे ज्यादा नॉलेज रखने वाले, मुझसे अच्छी शक्ल सूरत रखने वाले, मुझसे अच्छा कॉन्फिडेंस रखने वाले लोग नहीं कुछ कर पाते, अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसमें मेरी कोई खास बात बस हो रहा है, जितनी मुझसे कोशिश हो रही है मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह क्लिक हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, जो चीज़ मेरे जहन में है जो चीज़ मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह होगी मेरे साथ, लेकिन वो मेरी मेहनत की वजह से नहीं होगी, वो चीज़ मेरे नसीब की वजह से, मेहनत नहीं जो करते रहना, अगर मैं ये सोचने लगूँ कि मेरी मेहनत की वजह से मुझे कुछ हासिल हो जाएगा तो ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मेहनत लाजिम है लेकिन मेहनत जरूरी नहीं, लाजिम सिर्फ नसीब हो सकता है, मैं किसी चीज के लिए मेहनत करूँ ना मिले, हो सकता है किसी ने किसी चीज के लिए बिल्कुल भी मेहनत ना की और उसे वो हासिल हो जाए बिना कुछ किए, तो उसका नसीब, कोशिश काम करती है, आपकी मेहनत काम करती है, लेकिन नसीब मेहनत से हमेशा होगा। जो हमारे लेबर क्लास लोग हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जो अपना पसीना बहा के मेहनत करके बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं, हमसे बहुत ज्यादा कम पैसे कमाते हैं और हम उनसे बहुत ज्यादा कम मेहनत करके उनसे बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। क्या सिर्फ हमारी अकलमंदी की वजह से, क्या हमारी पढ़ाई लिखाई की वजह से, क्या हमारे एटीट्यूड की वजह से, हमारे नसीब की वजह से, नसीब को समझना बहुत ज्यादा जरूर। जो लोग नसीब को अंडरस्टिमेट करते हैं कि नहीं यार बस करने से होता है करने से होता है, तो सबके करने से क्यों कुछ नहीं हो रहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, करना बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि करना नहीं चाहिए, इंसान करने के लिए ही पैसा होता है, इंसान कोई भी जिसके हाथ पैर चल रहे हैं उसे बैठना नहीं चाहिए, उसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और वो लोग काम कर रहे हैं जिनके हाथ पैर नहीं, जो लोग मोहताज हैं लेकिन वो बैठ नहीं रहे, वो हम हिम्मत नहीं तोड़ रहे, तो हम तुम जिनके हाथ पैर चलते हैं, जिनकी सुबह चलती है, जिनके सारे सेंसर्स चलते हैं, हमारे पास कंप्लेंट्स रहते हैं, मेरे पास कंप्लेंट्स नहीं है, मैं खुद अपनी बात करता कि मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स रहती है कि यार आज इसका मन जी कर आज ये नहीं करते, आज वो नहीं करते, कुछ लोग कभी और पढ़ लेंगे, ये काम कभी और कर लेंगे, वीडियो यार आज मन चलो कभी इस तरह बहुत सारे हमारे पास हमेशा कंप्लेंट्स और बहाने, और जिन लोगों को करना होता है वो बहुत सारे बहाने होने के बावजूद, बहुत सारे नाहोत होने के बावजूद, बहुत सारी परेशानी होने के बावजूद वो करते हैं, हमसे ज्यादा परेशानी होने के बावजूद वो करते हैं, वो क्यों होते हैं कुछ खास नहीं होता, वो बैठते नहीं और बैठना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि नसीब सबसे अफजल है, सबसे ऊपर बाकी सारी चीजें उससे, अगर कुछ करके नहीं मिल रहा
वो समझ जाइए कि वो आपके नसीब में नहीं था, और हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छा आपके नसीब में, अगर उससे कम मिला तो उस पर सबर कीजिए कि मेरे नसीब में यही और मेरे लिए यही बेहतर, और उस पर खुश रहिए। तो आज के लिए इतना ही, उनसे हैं।